हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके अंदर हमने बात की थी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन फर्दर आगे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से वो थे, एक जिसके अंदर हमने बात की स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की, कि जब हमारी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उस दौरान जो डायनेमिक फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी प्रकार जब वन बॉडी रोल करती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर तो उस दौरान जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते थे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो चार तरह का हमारा फ्रिक्शन हो गया था। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर नॉर्मली होता है दो तरह का, कौन कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। लेकिन जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो फर्दर आगे टू टाइप्स का होता है, वो कौन कौन से हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमने बात की थी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर हम अभी तक तीन टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हमारी कौन कौन सी। सबसे पहले हमने बात की लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हम उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि कोई भी हमारी बॉडी है, यानी कि हमारी कोई बॉडी है, बॉडी के जो दो सरफेस है उन सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, कब, बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, कि जो हमारा एक्चुअल मोशन है वो एक्चुअल मोशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हुए के बिना, मतलब जब हम बात करते हैं कि जो एक्चुअल मोशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ मोशन, कि मोशन स्टार्ट होने से पहले, जब हम बोल सकते हैं कि ऑन द पॉइंट, कि उस पॉइंट पे हमारा मोशन है, तो उसको हम क्या बोल देते थे, वो हमारा कहलाता था लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि वो जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ अदर बॉडी टू मूव, यानी कि मोशन की फॉर्म में है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के क्या है, मोशन के। इसी तरह हमने बात की थी नॉर्मल रिएक्शन की, जो क्या था कि द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, ऑन द सरफेस, कि किसी सरफेस के ऊपर बॉडी के द्वारा जो रिएक्शंस ऑफर किया जा रहा है उसको हम बोलते थे नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड हमने बात की थी कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या बोला था, द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है और लिमिटिंग रिएक्शन है उन दोनों के बीच कॉन्स्टेंट ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी वो हमारे लिए होगा कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, इसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर। तो फोर्थ जो हमारी टर्म रहेगी वो हमारे लिए कौन सी होगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्थ हमारी टर्म है। तो फोर्थ को हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फोर्थ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्थ जो हमारी टर्म रहेगी वो इंपॉर्टेंट टर्म वो कौन सी होगी, वो होगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम यहाँ पे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस बोल सकते हो, जहाँ पे बोल दीजिए एक बेस, जहाँ पे हमारा क्या है, एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक बॉडी को प्लेस किया हुआ है। ये हमारी क्या है, एक बॉडी है जो हमने प्लेस की हुई है किसके ऊपर, जो हमारा रहेगा एक टेबल। ये जो सेंटर में रहेगा ये हमारा सीजी होगा, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा सीजी। तो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, सीजी। इस पॉइंट के क्या है, यहाँ पे एक रिजल्टेंट हो रहा है, ये हमारा रहेगा एस, ये आ जाएगा आर, और इनके बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, वो एंगल हमारा कौन सा होगा, फाई एंगल। इस तरफ जो फोर्स लगेगी, जो इस तरफ फोर्स लग रही है हमारी बॉडी पे, मतलब टेबल का जो सरफेस है, टेबल पे जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं एफ के साथ, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस साइड पे एक फोर्स लगेगी हमारी बॉडी के ऊपर, उस फोर्स को हम बोलेंगे पी से डिनोट करेंगे, वो हमारी क्या है, नॉर्मल फोर्स जो हम लगा लेंगे। नीचे जो लग रहा है, नीचे हमारा क्या होगा, वेट। नीचे क्या लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक टेबल, ठीक है, इसको टेबल बोल सकते हो या फिर बोल दीजिए बेस है, जिस बेस के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, बॉडी को सेटअप किया हुआ है, बॉडी को सेट किया हुआ है। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बात करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो क्या है, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन, आर को हम डिनोट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, और एफ मतलब इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो एंगल, द मैक्सिमम एंगल, वो मैक्सिमम एंगल जो क्रिएट हो रहा है किस चीज के बीच में, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है और रिजल्टेंट होंगे, किनके रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन के और लिमिटिंग फ्रिक्शन के,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा यानी कि ये चीज, इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमम एंगल क्रिएट हो रहा है, वो एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो एंगल हमारा क्या रहता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि ये फाई जो बनेगा, ये फाई हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द मैक्सिमम एंगल, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन बिटवीन नॉर्मल, ठीक है, बिटवीन नॉर्मल, बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, जो भी हमारा रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमम एंगल क्रिएट हो रहा है, उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या लिखा हमने, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। जो हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्सेज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फिर नॉर्मल रिएक्शन है, इनके बीच में जो मैक्सिमम एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट किससे करते हैं, फाई के साथ। इट इज डिनोटेड बाय फाई। आपको पहले बताया था कि जो ये वाला एंगल क्रिएट हुआ है, मैक्सिमम एंगल, ये हमारा रहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम करते हैं इसको डेरिवेट, कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लेट अस कंसीडर, लेट कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है किसके ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। हमने क्या माना है कि हमारे पास, लेट कंसीडर ए टेबल, कि हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्या है, एक वेट रखा हुआ है, यानी कि ये ब्लॉक है, एक बॉडी है, ठीक है, ये सारा क्या है, एक ब्लॉक बना हुआ है जिसके ऊपर क्या है, वेट है। कि लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू, कि हमने क्या किया, एक माना है कि हमारे पास एक ब्लॉक है वेट का, ठीक है, वेट है, वो किसका है, W, उसको हमने W से डिनोट कर दिया, टेबल के ऊपर हमने उसको प्लेस्ड किया हुआ है। अब देखिए इनके बीच में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि R है, तो R को हम क्या लिख सकते हैं, R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, R को हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, F, F हमारा क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F क्या रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। P है, P हमारी क्या रहेगी, नॉर्मल जो अप्लाइड हम फोर्स कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, ये हमारी क्या रहेगी, अप्लाइड फोर्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया W, तो W क्या है, ये है वेट, ठीक है, ब्लॉक जो है, ब्लॉक का क्या है, वेट है, वेट ऑफ ब्लॉक लिख सकते हो, जहां सिंपल वेट। अब हम इसको डेरिवेट करते हैं, तो जब भी हम निकालेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कि हमने, हमें पता है F और R, R हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, F हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये फॉर्मूला हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर भी बात की थी, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल फ्रिक्शन के क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। इसलिए जब भी हम बात करेंगे कि F और R के बीच में, तो इनके बीच में एक रिजल्टेंट बनेगा, वो हमारा रिजल्टेंट कौन सा रहेगा, S, और S और इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो हमारा कौन सा होगा, फाई होगा। इसलिए जब हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan phi, कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है, tan phi is equal to F divided by R, कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने क्या लिखा, tan phi, कि ये क्या है हमारा, tan phi एंगल है, और किस चीज के बन रहा है, F और R के बीच में, किसके प्रोपोर्शनैलिटी है, F और R। तो अब हमने एक फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, कि जो हमारा F divided by R is equal to होता है, हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर बात किया था ना, कि F is equal to होता है म्यू, ये हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर भी किया था फॉर्मूला। तो अब देखिए F की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर, मतलब F और R है, तो F और R के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, tan phi is equal to F और R की जगह पे हमने क्या कर दिया, म्यू पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं,
कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा इक्वल रहेगा, किस चीज के इक्वल रहेगा, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल रहेगा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारी टर्म होगी फोर्थ, जिसके अंदर हमने बात कर ली हमारी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ में आया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो अच्छी तरह से याद कर लेना एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, कि द मैक्सिमम एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्सेस का जो रिजल्ट है उनका, और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उनका और नॉर्मल रिएक्शन, तो इनके बीच के अंदर जो मैक्सिमम एंगल क्रिएट होगा, यानी कि ये देखो एफ होगी, ये आर होगी, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये हमारी क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, आर हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ये रिजल्टेंट हो गया, तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है मैक्सिमम एंगल, वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हमने डेरिवेट कर दिया कि किस तरह से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिफ्थ हमारी टर्म रहेगी इंपोर्टेंट टर्म के अंदर फ्रिक्शन चैप्टर में, वो हमारी होगी एंगल ऑफ रिपोज। कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, किस तरह से हम एंगल ऑफ रिपोज को डेरिवेट करेंगे, किस तरह से हम ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ, टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज, फिफ्थ पॉइंट है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। कि जो हमारी एंगल है एंगल ऑफ रिपोज, उसके अंदर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो जो फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल हमारा एक सरफेस होगा, उस सरफेस के ऊपर क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी प्लेस करनी है जो कि मूव कर रही है डाउन की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है। तो हमने क्या करना, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमारी क्या है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, जिस सरफेस पे हमने क्या किया, एक बॉडी को प्लेस कर दिया, ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, एक बॉडी को प्लेस किया है, बॉडी बोल सकते हो या फिर एक क्या बोल सकते हो, जो हमारा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो यहां पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, उस एंगल को हम लिखेंगे अल्फा, वो एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, वो एंगल बन रहा है हमारा अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगल क्रिएट हो रहा है, और इस तरफ से ये आ रही है आर, यानी कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ ऊपर की तरफ क्या लग रही है, हमारी जो बॉडी है बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे हमारा आ जाएगा इसके नीचे वेट, ठीक है, वेट क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है, इसको हम किस तरह से नोट करेंगे, साइन अल्फा, ये हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। इसी तरह एक एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, अल्फा, सॉरी इस एंगल को भी हम क्या लिख देंगे, अल्फा, ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, अल्फा एक एंगल रहेगा, और इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू साइन अल्फा, ये हमारा बन जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा, ठीक है, डब्ल्यू साइन अल्फा लिख सकते हैं, और ये सॉरी ये हमारा रहेगा कोज अल्फा, डब्ल्यू कोज, ठीक है, अल्फा, कोज अल्फा, इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे। इस तरफ हमारा क्या है, मोशन है, यानी कि डाउन की तरफ मोशन है, वो क्या हो रहा है, इस तरफ डाउन, डाउन यानी कि नीचे की तरफ इसका मोशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी है वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, और ये जो फोर्स लग रही है ये हमारी होती है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू म्यू आर, ये हमारी क्या बन जाएगी, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, एफ इज डिवाइड बाय आर होता है, आर को हम ऊपर की साइड लेंगे तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब देखिए हम इसके एंगल ऑफ रिपोज के अंदर किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ रिपोज कि हम लिखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्सिमम एंगल विच इन इंक्लाइंड सरफेस, कि वो मैक्सिमम एंगल जो क्रिएट हो रहा है जब ये क्या है इंक्लाइंड सरफेस के अंदर, कि द मैक्सिमम एंगल विच एन इंक्लाइंड सरफेस मेक विद हॉरिजॉन्टल,
यानी कि ये देखिए सरफेसेस के साथ क्या है कि वो मैक्सिमम एंगल जो एक इंक्लाइन सरफेस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रही है बॉडी, क्या लिखा है द मैक्सिमम एंगल विच एन इंक्लाइन सरफेस, जो क्या है इंक्लाइन सरफेस मेक विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ बना रही है इंक्लाइन सरफेस के साथ साथ जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या कर रही है एंगल बना रही है। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइन सरफेस, जब हम बॉडी को क्या कर रहे हैं प्लेस कर रहे हैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पे जस्ट मूविंग डाउन, जो और क्या कर रही है वो जस्ट मूविंग डाउन यानी कि नीचे की ओर क्या हो रही है डाउन हो रही है, तो उस दौरान जो एंगल क्रिएट हो रहा है उनके बीच में वो एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। उस दौरान जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, या फिर बोल सकते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग यानी जो नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, ये हमारा एंगल रहेगा। तो अब हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे एंगल ऑफ रिपोज के अंदर द मैक्सिमम एंगल, द मैक्सिमम एंगल विच एन इंक्लाइंड सरफेस, विच एन इंक्लाइंड सरफेस मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, मेक्स विद horizontal plane, makes with the horizontal या फिर horizontal surface, when कब जब हमारी body move कर रही है, किस तरफ move कर रही है downward direction में यानी कि down direction होते हैं, when a body placed जब हमने body placed की है किसके ऊपर हमारे inclined surface पे। अब देखिए कोई भी हमारी body है उस body को जब हम इस तरह से inclined surface के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेगी नीचे की तरफ slide करने की कोशिश करेगी, इसीलिए जब वो नीचे की ओर स्लाइड करेगी तो उस दौरान एक एंगल क्रिएट होगा, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि विद हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट ए जस्ट मोशन क्या होता है नीचे की तरफ, ए जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन कि वो क्या होगी इस तरफ से डाउन यानी कि नीचे की ओर शुरू होगी मूविंग डाउन, इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, कि जहां तो हम उसको एंगल ऑफ रिपोज बोल देंगे या फिर बोलेंगे एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एक बात देख लीजिए एंगल ऑफ रिपोज के अंदर हमने क्या किया कि द मैक्सिमम एंगल विच एन इंक्लाइन सरफेस मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, कि वो मैक्सिमम एंगल जो इंक्लाइन सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बन रहा है मतलब इंक्लाइन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टली बन रहा है, व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट, कि जब हमने बॉडी को प्लेस किया है पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन जो कि क्या कर रही है नीचे की ओर मूव कर रही है मोशन कर रही है, तो उस दौरान जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमारा एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज, या फिर बोल सकते हो एंगल ऑफ स्लाइडिंग एंगल ऑफ रिपोज। अब हम करते हैं इसको डेरिवेट, तो लेट अस कंसीडर हमने क्या मान लिया कि हमारे पास क्या है एक इंक्लाइंड सरफेस है, हमने क्या माना कि इंक्लाइंड सरफेस है उसके ऊपर हमने एक बॉडी प्लेस कर दी, बॉडी का जो वेट है वो क्या हमारे पास W है, जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास क्या रहेगा W, तो हम क्या करेंगे लेट अस कंसीडर कि हमने कंसीडर किया क्या किया ठीक है ए बॉडी placed on inclined surface, कि एक बॉडी है उस बॉडी को हमने placed कर दिया कहां पे placed कर दिया जो हमारा inclined surface है ठीक है inclined surface W, जो हमारा उसका weight क्या रह गया वो हमारा weight हो गया W ठीक है, W हमारा क्या हो गया उसके अंदर weight हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं define कि किस तरह से हम बॉडी को डेरिवेट करेंगे, तो जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा R, तो R हमारा रहेगा R is equal to R यानी कि normal reaction R is equal to वो किसके हो जाएगा W cos alpha के ठीक है R is equal to W cos alpha ठीक है इस तरह से लिख लेंगे W cos alpha कि ये हमारा क्या रहेगा R और ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है R और इनके बीच में ये वाला इस चीज को हम लिखेंगे R और W cos alpha को
ये रहेगा R is equal to W cos alpha. कब रहेगा? जब acting downward, यानी कि जो हमारा component है वो downward नीचे की ओर आ रहा है, तो उस दौरान. Next हम इसी तरह बात कर लेंगे. ये तो हमारा मान लीजिए हो गया first. Second हम लिखेंगे R is equal to normal reaction है, इसके ऊपर एक और angle create हो रहा है, वो हमारा कौन सा है? Sorry, वो लेंगे F के regarding. वो ये तो हमने लेंगे R से ये वाला जो एंगल रहेगा, ठीक है, इसको तो हम लिखेंगे R is equal to WC cos alpha. लेकिन इस साइड जो होगा ये हमारा होगा F वाला, यानी कि जहां पे हमारी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, F is equal to, ठीक है, F is equal to W sin alpha, ठीक है, W sin alpha. मान लीजिए ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया. अब देखिए एक बार कि R is equal to W cos alpha और R F is equal to हमने क्या कर दिया, W sin alpha. ये दोनों क्या हो गए, W sin alpha हो गए. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड कैसे करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड, डिवाइड हम कैसे करेंगे कि F नीचे आ गया R, F और R हमें पता है फार्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हमने बात की. F हमारा क्या है, F रहेगा W sin alpha, ठीक है, F रहेगा W sin alpha, F हमारा है W sin alpha. इसी तरह नीचे हमारा ये क्या रहेगा, R, ये R है, R हमारा क्या है, W cos, ठीक है, alpha. ये हमारा क्या हो गया, W cos alpha हो गया. तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया है. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी. इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, तो हमारे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, बनेगी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी. अब हमें पता है कि जो F और R होता है ये क्या होता है, म्यू. हम पता है कि हम F और R, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हमने बात की थी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, FR की जगह पे हम क्या लिख देंगे, मान लीजिए FR की जगह पे हमने लिखा म्यू, FR की जगह पे हम क्या लिख देंगे, म्यू. और जो ये वाला है cos और tan का, ये हमारा बन जाता होता है tan phi. ये भी हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू tan phi के, किसके अंदर हमने बात की थी, एंगल ऑफ जो हमारा फ्रिक्शन था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो अभी हमने फोर्थ टर्म की है उसके अंदर हमने बात की थी कि म्यू इज इक्वल टू tan phi. tan phi होता है. अब हम यहां से निकाल लेंगे कि म्यू की जो ये वैल्यू है इसको हम लिखेंगे tan phi. ये हमारे पास क्या आ जाएगी, tan alpha, सॉरी sin, sin alpha और cos alpha, w से w कट जाएगा, sin और cos. ये हमारा क्या बन जाएगा, tan alpha. तो हम क्या लिखेंगे, tan phi, सॉरी tan alpha, tan alpha is equal to tan phi, tan alpha is equal to tan phi. हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, tan से tan कटेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा alpha is equal to phi, alpha is equal to phi. इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के. एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज. एक बार देखिए शुरू से, फिफ्थ टर्म में हमने बात की एंगल ऑफ रिपोज के बारे में. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या रहेगा, द मैक्सिमम एंगल व्हिच एन इंक्लाइंड सरफेस मेक विद हॉरिजॉन्टल. कि वो मैक्सिमम एंगल जो इंक्लाइंड सरफेस पे बन रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक बॉडी का हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली क्या बन रहा है, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मैक्सिमम एंगल बन रहा है. कब, व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, जब हम एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर बॉडी को प्लेस करेंगे, बॉडी को प्लेस करेंगे और वो क्या करेगी, मूविंग डाउन, यानी कि नीचे की ओर डाउन कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है, तो उस दौरान जो एंगल क्रिएट हो रहा है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज की जब हम बात करेंगे, जब डिनोट करने की, तो हम इसको डिनोट किस तरह से करेंगे, ये अल्फा, ठीक है, अल्फा एक सिंबल होगा जिस अल्फा से इस तरह से लिख सकते हो, चाहे इस तरह से लिखो, अल्फा से हम डिनोट करेंगे किस चीज को, डिनोट करेंगे जो हमारा रहेगा एंगल ऑफ रिपोज. तो अब हमने डेरिवेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर, कि हमने एक कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी है, वो कौन सी है, डब्ल्यू, जिसका वेट है, उसको हमने इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर प्लेस्ड किया. प्लेस करने के बाद हमने क्या किया, उसको डेरिवेट करेंगे. तो सबसे पहले आर पे निकालेंगे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, तो कंपोनेंट के नॉर्मल रिएक्शन पे जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आर इज इक्वल टू
W cos alpha, next हमारी second बनेगी F is equal to W sin alpha, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, divide करेंगे, F divide by R, sin W sin alpha divide by cos alpha, तो इनको divide किया, FR की हमें पता है कि FR को हम लिखते हैं mu के साथ, तो हम FR की जगह पे लिख देंगे mu, लेकिन ये भी होता है, जो mu होता है, ये हमारा equal होता है tan phi के equal होता है, वो हमने कब किस में किया था, angle of reaction, angle of friction के अंदर, fourth terms के अंदर, तो इनके बारे में यहां तक हमें पता था, अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि tan अल्फा बन जाएगा, जो हमारा फाई है, यानी कि ये वैल्यू है, तो इसको हम tan अल्फा लिख देंगे, tan फाई का tan फाई रहेगा, tan से tan कटेगा तो अल्फा इज इक्वल टू फाई, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ जो हमारा रिपोज रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो ये हमने बात की हमारी फिफ्थ टर्म के बारे में, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारी इक्विलिब्रियम बॉडी है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑफ ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारी इक्विलिब्रियम बॉडी किस तरह से रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।